आपने हाल ही में शंकराचार्य के बारे में तो जरूर सुना होगा। देश में चार शंकराचार्य हैं जो वर्तमान में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो इसी बीच उठता है कि आखिर शंकराचार्य कौन होते हैं और ये पद किसको दिया जाता है, एवं इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आने वाली 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी बीच देश में स्थित चार शंकराचार्य इस महाउत्सव में नहीं पता रहे, जिसके कारण काफी विवाद भी चल रहा है, लेकिन इनमें उनके निजी निर्णय शामिल है। लेकिन एक सवाल कि आखिर ये शंकराचार्य कौन होते हैं और ये पद किसे दिया जाता है, तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। आपको बता दें कि सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य पदवी की शुरुआत हुई थी। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के चार मठों की स्थापना की थी। ईसा पूर्व की बात करें तो ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में एक एक यानी चार मठों की स्थापना की थी। इन चार मठों में उत्तर के बदिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारिका का शारदा मठ शामिल है। मठ के प्रमुख को मठाधीश कहा जाता है और इन्हीं मठाधीश को ही शंकराचार्य कहा जाता है, यानी उसकी उपाधि दी जाती है। तो ये है कि आखिर शंकराचार्य कौन होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि शंकराचार्य बनने के लिए किन किन नियमों का पालन किया जाता है। तो आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ महामन्याय में चारों मठों की व्यवस्था के नियम, सिद्धांत और शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के नियम लिखे हैं। मठामन्याय को महाअनुशासन भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में 73 श्लोक है। मठामन्याय के अनुसार शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के लिए पात्र का सन्यासी और ब्राह्मण होना अति आवश्यक है। इसके अलावा सन्यासी दंड धारण करने वाला होना चाहिए, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए और तन मन से वो पवित्र होना चाहिए। सन्यासी का वाग्मी होना अति आवश्यक है, यानी वो चारों वेद और 6 वेदांगों का परम विद्वान हो और शास्त्रार्थ में निपुण हो, यानी उसे शास्त्रार्थ करना भी आना चाहिए। इन समस्त नियमों को धारण करने वाले सन्यासी को वेदांत के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता है। इसके बाद सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के प्रमुख, आचार्य महामंडलेश्वर और संतों की सभा शंकराचार्य के नाम पर सहमति जताती है, जिस पर काशी विद्वत परिषद की मोहर लगाई जाती है। इस प्रकार सन्यासी शंकराचार्य बन जाता है। इसके बाद शंकराचार्य 10 नामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मठ क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि मठ सनातन धर्म में धर्म अध्यात्म की शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान कहे जाते हैं। इनमें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन होता है और शिक्षा भी इसी परंपरा के अनुसार दी जाती है। इसके अलावा मठों द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। बता दें कि देश में चार मठ स्थित है जो चार दिशाओं में विद्यमान है और चारों मठों के अपने अपने नियम और कायदे हैं। अगर बात उत्तर दिशा में स्थित ज्योतिर्मठ की करें तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ स्थित ज्योतिर्मठ के अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत और सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है। ज्योतिर्मठ का महावाक्य अयमात्म ब्रह्म है। इस मठ के पहले मठाधीश त्रोटकाचार्य थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इसके 44वें मठाधीश बनाए गए थे और अथर्ववेद को इस मठ के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं अगर बात दक्षिण भारत के चिकमंगलूर स्थित श्रृंगेरी मठ की करें तो इसके अंतर्गत दीक्षित होने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती और पुरी विशेषण लगाए जाते हैं। श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा जाता है। मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य थे। वर्तमान में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ इसके शंकराचार्य है, जो 36वें मठाधीश है। अब भारत के पूर्व में स्थित गोवर्धन मठ की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि भारत के पूर्व में गोवर्धन मठ है, जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में है। इस मठ के अंतर्गत दीक्षित होने वाले सन्यासियों के नाम के बाद वन और अरण्य विशेषण लगाए जाते हैं।
मठ का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है और ऋग्वेद को इसके अंतर्गत रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादचार्य थे। वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य है जो कि 145वें मठाधीश है। आइए अब देश के अंतिम और पश्चिम में स्थित शारदा मठ की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम में गुजरात के द्वारका में शारदा मठ है। इसके अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम विशेषण लगाए जाते हैं। इस मठ का महावाक्य तत्वमसी है और सामदेव को इसके अंदर रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तमलक पृथ्वीधर थे। वे आदि शंकराचार्य के चार प्रमुख शिष्यों में से एक थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को इस मठ का 79वां शंकराचार्य बनाया गया था। बता दें कि जिस तरह बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप को सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, इसी तरह सनातन धर्म में शंकराचार्य को सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। तो ये है भारत में स्थित सभी शंकराचार्य का इतिहास एवं उनके महत्वपूर्ण तथ्य। तो आपको भारत के चारों शंकराचार्यों के बारे में जानकर और उनके मठों के बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।